कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो उन्होंने बोला थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर उसके बाद देख लेंगे लाइफ में क्या करना है। जिस दिन डिसाइड करा कि अब मेकअप करना है, उस दिन जिंदगी बदल गई। एंड इन दिस एंटायर जर्नी हम आपकी तरह सुपर मॉम। दिस इज ब्यूटिफुल। मुझे बचपन से शौक था कि मैं मां बनूंगी। मुझे लगता है दैट एवरी मदर शुड बी सेलिब्रेटेड। कैमरा पे पहली बार बोल रही हूं, कहीं मेरे बच्चे से मेरा कनेक्शन तो लूज नहीं हो जाए। मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है मेरी माँ के बदौलत। सी सेक्शन के लिए सेट पर से गई, मैंने दोपहर को शूट किया, रात को मैं एडमिट होने गई। योर फर्स्ट रिएक्शन और फीलिंग व्हेन यू हेल्ड कबीर? एग्जैक्टली, डर, फियर। People, welcome back to a brand new episode of Kisi Ne Bataya Nahi, the motherhood journey, maa banne ka pehla ehsaas hai kuch khaas. Aaj ke hamare guest bhi bahut khaas hai, kyunki wo is conversation ke liye specially apna state chhod kar hamare state mein aayi hai, aur wo na sirf ek mentor hai, बल्कि उनकी खुद की एक अपनी अकेडमी है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है और सुपरमॉम तो है ही। प्लीज वेलकम भूमिका ऑन आवर शो। हाई भूमिका, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ बिकॉज आई रिमेंबर हमारी कॉन्वर्सेशन बैक एंड फोर्थ हो रही थी। आप अपने काम में ऑफकोर्स बहुत बिजी रहती हैं, आपने एक स्टैंड अलोन अकेडमी खुद रन करती हैं आप, एंड देन यू आर अ मदर। आपका बेटा है जो कि आई थिंक 6 या 8 महीने का ही है। 8 महीने, yes, 8 months. तो आपने वो सब छोड़कर हमारे लिए अपना प्रेशियस टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बताइए कि मेरी कम्युनिटी को, मेरी ऑडियंस को आपकी कहानी थोड़ी सार संक्षिप्त में जानना है कि व्हाट इज भूमिका, हाउ डिड शी मेक हर एकेडमी, एंड इफ यू कुड जस्ट शेयर बिफोर आई, इससे पहले कि मैं, सॉरी आई थोड़ा, यस यस प्लीज, जैसा भी है आपका जस्ट कीप इट संक्षिप्त में बोलो। अभी मैं वही हूँ। ओके, तो मैं 18-19 साल की थी जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। okay. और मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे मेकअप परस्यू करना है। uh-huh. बट जहाँ से हम आते हैं, कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो उन्होंने बोला थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर उसके बाद देख लेंगे लाइफ में क्या करना। बट वो जो मेकअप करने का कीड़ा था वो लाइफ में कभी जा नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम बहुत जिद्दी रहे लाइफ में। उसके बाद मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करी, खूब पढ़ाई करी हमने, एंड उसके बाद एक दिन हमने डिसाइड करा कि अब तो मेकअप करना ही करना है। और जिस दिन डिसाइड करा कि अब मेकअप करना है, उस दिन जिंदगी बदल गई। और जिस दिन जिंदगी बदली, उस दिन फैसला लिया कि अब औरों की जिंदगी इससे ही बदलनी है। Wow. जो कहीं ना कहीं मेकअप से रिलेटेड है। मैं सबसे पहली मेकअप आर्टिस्ट थी बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा। Wow. मैं चाहती थी कि वो सब लड़कियां जो अपने घर के अंदर हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं आ सकती फिजिकली, जो बोलते हैं घर से बाहर नहीं जाना, तो उनको हम ऑनलाइन डिजिटली घर से बाहर निकालेंगे। तो पूरा मुद्दा जो शुरू हुआ वो यही था कि सब लड़कियों को घर से बाहर निकालना है, और मेकअप कहीं हमारे रस्ते में आ गया। एंड इन दिस एंटायर जर्नी हम आपकी तरह सुपर मॉम। दिस इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। I mean, like, आपने अपने प्रोफेशन के साथ इतने लोगों को जोड़ा, एंड देन यू मेंटर सो मेनी स्टूडेंट्स विद यू। आई हैव हर्ड कि आपके पास बैचेस होते हैं वेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आप देते हैं, एंड योर होल एकेडमी इज अबाउट ब्यूटी, ग्रूमिंग। और मैंने आपके, आई मीन, इंस्टाग्राम पे आई कीप वॉचिंग योर रील्स एंड ऑल, वेयर यू नो आप अपने स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर क्लास देते हैं, एंड देन योर स्टूडेंट्स कम अप एंड दे हैव दिस यू नो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस इन योर क्लासेस। दिस इज ब्यूटिफुल। अब आपका ये जो आपने स्टैंड अलोन करियर जो अपना स्टार्ट किया, एंड देन यू गेव यू नो अ पाथ टू सो मेनी डिजायरिंग गर्ल्स आउट देयर, और यू नो एवरीबडी हु वॉन्ट्स टू परस्यू मेकअप। अब इसके साथ साथ आपके मदरहुड की जर्नी कैसी अटैच हुई? मदरहुड की जर्नी, सो आई गॉट मैरिड इन डिसम्बर, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्लैरिटी कि मुझे माँ बनना है। इसके बाद लाइफ में डिसाइडेड, मुझे बचपन से शौक था कि मैं माँ बनूंगी। बचपन से शौक था मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, और बिल्कुल सही समय पे अब जब मेकअप आर्टिस्ट बन गए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था। एंड व्हेन मी एंड नेहल वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मेरे का नेहल हम शादी तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आगे जर्नी काम कहीं ना कहीं सेट है, तो अब आगे हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू। अरे वाह, बट इतनी जल्दी हम माँ बन जाएंगे। सो आई गॉट मैरिड इन डिसम्बर, एंड जनवरी वी गॉट टू नो दैट Wow! That wow, you're another blessed. Life is coming. So oh, by yeah. God's grace, this had to happen. Manifestation was strong, tha. And jab kabir hamari life mein aaye, to
फिर तो और जिंदगी बदल गई. द एकेडमी ओपन्ड आफ्टर कबीर. रियली? आई बॉट माय कार आफ्टर लाइक व्हेन कबीर वाज इनसाइड मी. वी बॉट अ न्यू हाउस व्हेन कबीर जस्ट केम टू अस. सो इट वाज गॉड्स वे ऑफ टेलिंग अस दैट दिस इज द स्ट्रांगेस्ट वे. क्योंकि आप यहां हैं और कबीर इज बैक इन दिल्ली. हु इज टेकिंग केयर ऑफ कबीर? अभी अभी वीडियो कॉल करके आए हैं. मेरी मॉम के साथ है. ओके. एंड नानी टेक्स केयर ऑफ हिम ऑल द टाइम. तो सुबह हम होते हैं, शाम को हम होते हैं. नानी इज अ सुपर नानी. नानी इज अ सुपर नानी एंड माय सिस्टर आल्सो. ओह वाओ. शी इज आल्सो एल्डर टू मी. आई मस्ट से के हमारे लिए स्पेशली मॉम्स लाइक अस हु आर स्टिल विलिंग टू यू नो परस्यू आर करियर्स, वॉन्ट टू बी आउट देयर, और फिर बैक यू नो बैक ऑफ द माइंड हमें ये चिंता रहती है हमारे बच्चे का कौन ध्यान रख रहा है, हमारा बच्चे ने खाना खाया, बच्चा सही है कि नहीं. आई थिंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे केयर गिवर्स का आता है, हु आर एक्चुअली फुल हार्टेडली फोकसिंग ऑन आवर लाइव्स इन यू नो वॉट लाइव्स वी हैव केप्ट देयर. तो आप मुझे बताएं कि आपकी मॉम का योगदान जो कि आई एम वेरी श्योर सबसे बड़ा रहा है, कैसे उन्होंने आगे बढ़कर बोला कि जा बेटा तू अपना काम संभाल, मैं तेरे बच्चे को संभालती हूँ. मुझे लगता है ये ना अपनी रूट से कहीं ना कहीं आता है. माय मॉम वाज अ वर्किंग मॉम. उसके बाद फिर शी लेफ्ट हर जॉब. मुझे लगता है दैट एवरी मदर शुड बी सेलिब्रेटेड. ये कैसे पता लगा? अपनी रूट से निकल के आते हैं. जब मेरी मॉम काम कर रही थी तो उनके पास इतना सपोर्ट नहीं था. जब वो काम करती तब उनकी मॉम थी, माय नानी वाज देयर. व्हेन शी लेफ्ट हर जॉब कहीं ना कहीं वो फियर होता है फॉर अ वुमन हु इज नॉट वर्किंग एज अ मदर. कहीं मैं डिपेंडेंट तो नहीं हूँ? कहीं यू लूज योर कॉन्फिडेंस इन सम वे. फिर उसके बाद जब आप वर्किंग मॉम बन जाती है, जैसे आप है, जैसे मैं हूँ, अब मैं 3 दिन के लिए उसको छोड़ के आई हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ हूँ. देयर इज अ फियर कि 24/7 आप हम प्रोएक्टिव होते हैं. Exactly. कि कुछ चाहिए होगा तो अभी मैं फिजिकली नहीं हूँ. बिल्कुल नींद नहीं आती है. आप कहीं ना अभी पॉडकास्ट में बैठे बट दिमाग अभी दिमाग को मैं भी वही सोच रही हूँ जीवा क्या कर रहे होंगे, अभी दूध पी आएगी नहीं. और क्या टाइम एडिशनल हम कनेक्शन से रख रहे हैं. आप एज अ वर्किंग मदर फील करते हो कि कहीं, मतलब मैं ये फील करती हूँ बहुत पर्सनली, मैं कैमरा पे पहली बार बोल रही हूँ, कहीं मेरे बच्चे से मेरा कनेक्शन तो लूज नहीं हो जाए. This is very selfish as a mom that I'm speaking. No, it is not selfish. It is not selfish. It is natural. मैं आपको बताऊँ, मैं अपना शूट वापस शूट करके जब घर जाती हूँ ना, and I see both my daughters laughing, smiling. It is the most beautiful feeling. But कहीं ना कहीं वो guilt रहता है कि यार मैंने ये अपने 8 घंटे आज miss किए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मैं connection I am detaching from that. कहीं ऐसा तो नहीं होगा tomorrow they'll ask me कि mama you were तो not there. They get attached to people who are actually, you know, are there for them and are actually taking care of them. फिर खुद को लगता है यार हम तो अपना मतलब are we fulfilling the duty as a mother or not? But हमारी mothers जो इतना बड़ा sacrifice कर रही हैं अपना life, अपना सब कुछ घर बार छोड़कर हमारे घर पर हमारे बच्चों की देखभाल जो कर रही है, I think mothers का मेरे लिए वैल्यू तो हमारी माँ के लिए you know हमेशा हमारे दिल से तो बहुत ऊँची रहती है. बट मुझे ऐसा लगता है इस फेज के बाद दैट recognition and that bond between me and my mother has grown even more deeper. Yes. तो आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन आया? बिल्कुल. मुझे लगता है एक लेगेसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप बोलते हैं ना. अदरवाइज आप अपने एंसेस्टर्स से कितना कनेक्टेड हो? व्हेन आई से दैट मैं मेरी मॉम, मेरी ग्रैंड मॉम और उनकी भी मॉम, कभी हम बात भी नहीं करते होंगे नॉर्मल लाइफ में. द मोमेंट कबीर एंटर्ड माई लाइफ तो फिर हम बैठ के बात करते हैं, अच्छा मेरी मॉम तो ऐसे करती थी, अच्छा तुम्हें पता है मेरी मॉम तो ऐसे करती थी. एक्चुअली दैट लेगेसी ट्रांसफॉर्मेशन रीबिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल व्हेन यू बिकम अ मॉम एंड इट कनेक्ट्स द एंटायर फैमिली टुगेदर. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं और मेरी मामा बहुत, अब हम कब इतना फोन पे बात करते हैं. इससे पहले जब हमारा दूध दे दिया, पानी दे दिया, खिचड़ी का टाइम हो गया, दलिया का टाइम हो गया, सो दैट कनेक्शन बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग. मैंने लाइफ में अगर इतना कुछ अचीव किया है वो सब ना मेरी माँ के बदौलत है. Obviously. वो पहले इसलिए क्योंकि उन्होंने हमको संस्कार ऐसे दिए थे, उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी की थी, और आज इसलिए क्योंकि अब वो हमारे बच्चों का इतनी खूबसूरती से और इतनी यू नो कोमलता से वो ध्यान दे रही है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे जो है ना वो अच्छे हाथों में पल रहे हैं. उनके पास संस्कार भी है. अब वो जनरेशन जो है ना अपने ट्रेडिशन और अपने रूट्स में इतनी स्ट्रांग होगी कि मुझे चिंता नहीं है किसी चीज़ की दैट यू नो माई किड्स आर गोइंग टू ग्रो इन सम डिफरेंट कल्चर. आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको कभी रियलाइज हुई है कि हमें ट्रेडिशनली और कल्चरली जो है हमारी मॉम हमारे बच्चों में ये इनकलकेट कर रही हैं एंड इट्स लाइक अ सेंस ऑफ रिलीफ? कोई ऐसे इंस्टेंसेस आपके पास या एग्जांपल्स? मुझे जुड़ी ना बहुत स्पिरिचुअल है एंड आई गेट द एक्सपीरियंस कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं एंड देन दैट रिस्पेक्ट दैट बॉन्ड ग्रोज अप सो मच. अब मैं देखती क्या हूँ रोज सुबह उठ के, इससे पहले कि हम उठते हमारा स्केड्यूल रात को कहीं और है, शूट पे है, सुबह कहीं है, सुबह उठ के हमारे कभी उठे होते हैं, तैयार हुए होते हैं, पूरे कलर कोऑर्डिनेटेड कलर थ्योरी के हिसाब से कपड़े डले होते हैं, बाल बने होते हैं और भजन चल रहे होते हैं. हर गॉड, कबीर्स गॉड, माय गॉड, जो भी हम जिसमें भी बिलीव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे घर में वाइब होते हैं.
आई सी इट एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड देन माई मॉर्निंग बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल. हम सुबह उठ रहे हैं सच पॉजिटिव एनर्जी इन द एंटायर हाउस. And that's because of your mother. Obviously. आपकी मामा आपके साथ कब से रहना उन्होंने शुरू किया? And अभी तो of course 6 महीने तो. Since childhood, बचपन से साथ हैं. बचपन से. Always. Blessed यार. Yes. Blessed. अब जब मामा साथ रहती हैं तो I'm sure बहुत सारी चीजों में differences भी होते होंगे. बहुत सारे. है ना? कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. How do you tackle that? I think my mom has started tackling it now. पहले तो हम बच्चे होते तो हम सुनते थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी. अब थोड़ी सी जब दुनिया देखे तो अच्छा ऐसे भी तो होता है, ऐसे भी तो हो सकता है. तो हम लगता है वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि हम लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं. अब वो भी देखते हैं कि फिजिकली हम कहाँ हैं, इमोशनली हम कहाँ हैं, मेंटली हम कहाँ हैं, वर्क वाइज हम कहाँ हैं. तो उनको भी लगता है अब जैसे सुबह अगर कबीर उनकी गोदी में है और भजन चल रहे हैं और जैसे ही हम उठेंगे तो उनको पता है कि चाय का टाइम है. The way she manages, यहाँ पे कबीर है, पास में कबीर है, मेरी चाय बन रही है, the most beautiful feeling. Oh my God. I mean, मुझे ऐसा लगता है हमारी मॉम्स ना सुपर सुपर मॉम्स हैं. बिकॉज वो घर का काम भी कर लेती हैं, वो बच्चे भी संभाल लेती हैं, वो हमें इतना आश्वासन दे देती हैं कि जाओ बच्चे निश्चिंत होकर जाओ, हम हैं यहाँ देखने के लिए. और मेरी मम्मी में इतनी एनर्जी है ना और इतना एंथुसियाज्म है, आप उनका चेहरा देखोगे ना, इट्स रेडिएंट विद पॉजिटिविटी. एंड दैट इज ऑलवेज, यू विल सी देम ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग. और बच्चों के साथ तो मतलब इतनी बार वो बोल चुकी हैं कि रूबीना मेरे लिए ना यू हैव गिवन मी अ पर्पस ऑफ लिविंग अगेन. मेरे साथ तो बहुत बार शेयर कर चुकी है कि मुझे ना अब इधा और जीवा और वेदा मेरी मेरी छोटी वाली बहन की भी बेटी हुई है, मुझे अब इनके साथ वो वक्त और इनके साथ वो चीज़ें शेयर करनी है जो कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ आवर टाइम्स, आवर सिचुएशंस. हमारे पास जॉइंट फैमिलीज होती थी तो हम बहुत सारी बहुत सा समय ऐसे था कि बच्चों के साथ नहीं बिता पाते थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारी परवरिश के टाइम रह गई. तो ये जो मॉम की इन्वॉल्वमेंट है ना, इस इन्वॉल्वमेंट ने कहीं ना कहीं मुझे इतना रिलैक्स कर दिया है ना और इतना मुझे क्या बोलते हैं फ्री कर दिया है ना. क्योंकि जब से मैं माँ बनी ना तब से वो स्ट्रेस और टेंशन, क्या मैं अपना करियर वापस परस्यू कर पाऊँगी, क्या मैं वो चीज़ें जो मैं खुल के कर सकती थी वो कर पाऊँगी. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मदर, आई एम सो ग्रेटफुल टू हर दैट आई एम बीइंग एबल टू डू दैट. हैव यू एवर एक्सप्रेस्ड दैट ग्रेटिट्यूड विद योर मदर? I think thank you जाते हैं कहीं ना कहीं. But बोला नहीं. With the action. You have to say it. I'm telling you. Because मुझे भी जिस दिन मैंने बोल दिया फिर रोज मुझे बोलना पड़ा. अरे आप तो बहुत अच्छे, आप तो बोल लेंगे. हाँ बेटा कल क्या कह रही थी, आज दोबारा बोल दूँगा. But ना मैंने एक चीज़ रूबीना देखी है in my mom has always like I am her daughter. तो आप मेरी पर्सनैलिटी देखिए तो मैं जो दिल में बात आएगी मैं ऐसे बोल दूँगी. वेरी अथॉरिटेटिव, वेरी डोमिनेंट इन द वेरी राइट वे. मैंने देखा वो पहले कभी नहीं सुनती थी. जब से कबीर हमारे घर में आए ना, जैसे आप अभी बता रहे थे कि दे नो द बेस्ट, शी नोज द बेस्ट. बट उसके बाद भी कितनी बार वो मुझे बोलते हैं मैं डॉक्टर से बात करा दे. वो एक सेकंड ओपिनियन कहीं ना कहीं जो मैं कर रही हूँ क्या मैं ठीक कर रही हूँ. एंड नाउ शी इज ओपन टू दैट स्पेस ऑफ एडजस्टमेंट. अच्छा मुझे तो ये पता था हमारे टाइम पे ही होता था, तुम्हारे तो बच्चे अब जेन ज़ी किड्स हैं, तुम्हारे डॉक्टर क्या कहते हैं. एंड देन शी विल कंपेयर बोथ. अच्छा ये मुझे लगता है बेटर है तो फिर सो मतलब वो जो पुरानी नॉलेज है या वो कभी नहीं एक्चुअली वो सुनने का स्पेस. यू आर राइट. ये चीज तो मैंने अपनी मॉम में भी देखा है दैट चेंज यू नो. बट मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ ये बैरियर तोड़ने की. और मैं यू नो थैंक यू मॉम, थैंक यू फॉर डूइंग इट. मम्मा को भी ऐसा लगता है क्या हो गया, ठीक है ना, ये तो हमारा फर्ज है हमारा. मैं बोलती हूँ नहीं मम्मा, स्टिल यू हैव टू लिसन टू इट, स्टिल आई वांट टू से थैंक यू टू इट. मतलब वो इतना इजीली शी डजंट एक्सेप्ट थैंक यूज और अप्रिसिएशन. शी फील्स के यार ये तो अपनी ड्यूटी थी ना, कर ली, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है. बट आई फील इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेइंग ग्रैटिट्यूड टू आवर मदर्स और इवन टू आर. मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जहाँ मदर इन लॉज आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. दे आर सो मेनी फैमिलीज वेर वेर लाइक यू सेड यू मेंशन आपकी बहन भी वो है. आई हैव टू मदर्स इन दैट केस. तो मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी है और उनका अपना एक बेटा है 4 years old. तो शी इज बीन थ्रू द जर्नी. तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल जेन ज़ी मॉम मिल गई, एक मुझे ओल्ड स्कूल मॉम मिल गई. तो अभी दोनों मिलकर तो शी इज ऑल्सो वर्किंग. द ब्यूटी ऑफ फैमिलीज की वो भी काम करती है तो थोड़ा जल्दी आ जाती है और वो ये इंपॉर्टेंस जानती है कि आपके लिए भी आपका काम कितना जरूरी है. टेल मी योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी काइंड ऑफ चैलेंज अगर आपको अपने इन लॉज के साथ या आपके खुद की यू नो बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट माइंड सेट. हैव यू एवर हैड दैट फ्रिक्शन ऑफ रेजिंग द चाइल्ड? सो हाउ डिड यू हैंडल दैट? यस मुझे लगता है कि मेरे जैसे इन लॉज इस वर्ल्ड में किसी के नहीं होंगे. क्यों मैं बताती हूँ. जब हमारी शादी हुई आई वॉज वर्किंग फुल फ्लैचड मेकअप आर्टिस्ट. शेड्यूल ऐसा ही था, टाइम ऐसे ही होता था. एंड फिर मैंने अपनी मदर लॉ को बोला, नेल्स मॉम, मैंने बोला कि मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ. व्हेन वी गॉट टू नो दैट वी आर प्रेग्नेंट. मेरा काम वही था उस टाइम पे. मैंने अकेडमी नहीं खोला था, सारा ऐसे स्टूडियो होम सेटअप था. सब बच्चे घर आते थे, घर पे काम करते थे. रेंट पे आई टेक अनदर फ्लैट. तो मेरा घर यहाँ तो 7 वाले टावर में देयर वाज माय ऑफिस. तो मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ. तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्लीज़
नेहल मेरे साथ आके मेरे घर पे रहने। That was one thought, Rubina, I tell you. और उसके बाद से अभी तक we are just about to shift into our new house. शादी हुई थी मैंने कहा मम्मा आप क्या अचीव करना चाहती हो लाइफ में, कहती मुझे ना 40 साल अपनी नौकरी पूरी करनी है, मेरे लिए बहुत बड़ा गोल है। तो when I got married, अभी when कभी happened to us, हमने उनको बोला she left her job, अभी 2 साल और बाकी थे रिटायरमेंट को, in 38 years this was the big, मतलब me being a working woman, तो मैं तो शायद ये कभी भी नहीं कर पाऊंगी। मैं I will have the right resources, मैं resources plug in कर दूंगी, मैं family के resources plug in कर दूंगी, but मैं शायद कर नहीं पाऊंगी। She left her job, 2 साल अभी बाकी थे, this is what she told me. तो जैसे हमारे statistics बताते हैं कि usually 70% of women after pregnancy they don't, they take at least 2 to 3 years to get back to their careers or jobs, जिसमें से 2 साल के बाद सिर्फ आई थिंक 30% ही जो वर्किंग मॉम्स या फिर यू नो वर्किंग गर्ल्स और वेमेन वो ही अपना करियर वापस से परस्यू कर पाते हैं। एंड फॉर मी इट इज़ लाइक अ सैड थिंग कि हम इतने इन्वॉल्व या फिर इतने प्री ऑक्यूपाइड या इतने लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से जो हमें पसंद है लाइफ में या जो हम परस्यू करते आ रहे थे वो नहीं हो पाता है। आप मुझे बताएं व्हाट वाज द मेजर चेंज इन योर लाइफ आफ्टर प्रेगनेंसी एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट चैलेंज इन योर लाइफ। आई थिंक प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी ऑलरेडी, जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और अदरवाइज भी वुमन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कहीं से निकलती है। मुझे लगता है कि मैं वैसे भी बोलती हूँ अपने घर से बाहर निकलो, काम करो, कुछ करो लाइफ में। द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट और अब मुझे पता है कि 9 महीने में कबीर हमारे पास होंगे, प्लानिंग पहले ही कर ली कि आस पास यहाँ डिलीवरी होगी तो प्रोजेक्ट्स जो हम लेंगे अब हम ऐसे लेंगे ताकि हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। मुझे आज भी याद है 5 जुलाई को रुबीना कबीर इस दुनिया में आए, 7 जुलाई की डेट थी, 5 जुलाई को आए, विद इन 23 डेज आई डिड माई फर्स्ट कैंपेन। रियली इट वॉज अ सी सेक बेबी और आपको पता है कि मतलब हाउ इट फील्स लाइक व्हेन यू गेट अप, हाउ इट फील्स लाइक इट्स जस्ट लाइक के भगवान मतलब चलो बस डिफिकल्ट मोमेंट मेरे भी लाइफ में, मतलब मैं मानती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग, जैसे आप बहुत स्ट्रांग फीमेल हो, बट जब हम उठे थे उस दिन तो ऐसा लगता है कि इससे ऊपर तो स्ट्रेंथ कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। वो जो पहला कदम, पहली मतलब सांस लेना इतना मुश्किल होता है आफ्टर योर सी सेक्शन इज लाइक आज तक वो मेमोरी फ्रेश है मेरे जहन में। तो प्लानिंग बहुत ही, बट उसके बाद भी चैलेंज आया कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड है, ओवर डिसिप्लिन्ड, बिल्कुल स्केड्यूल से चलते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए, सॉरी। नो नो यू डोंट हैव टू मेंशन दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ आपने सॉरी पिछले 3 बार एटलीस्ट बोल दिया एंड आई अप्रिशिएट दैट, नो वरीज। एंड आई वाज शाउटिंग ऑन द एंटायर टीम, क्या करो जल्दी करो लेट हो गए। एनीवे कमिंग बैक टू चैलेंज ये आया कि अब स्केड्यूल फॉलो नहीं कर सकते, अब जो कबीर का स्केड्यूल होगा अपने आप को उनके स्केड्यूल में डालना होगा। करेक्ट। तो अब चैलेंज ये है कि अब कुछ टाइम स्केड्यूल काम पहले सब, वो सब सब गया, सब गया। तो ऐसे इनडिसिप्लिन में डिसिप्लिन लाना मुझे लगता है मेरे लिए बहुत चैलेंज। बट यू नो यू शुड गिव अ लीवे टू योरसेल्फ, कोई बात नहीं होता है। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल था क्योंकि जहां मैं शूट पर मतलब बिफोर टाइम आई यूज्ड टू बी देयर, नाउ ऐसा हो गया था कि यू नो योर डॉटर कैन क्राई एट एनी पॉइंट इन टाइम, आप निकलने वाले हो तो क्राइंग की हो सकती है, आप निकलने वाले हो आपको याद आता है अरे यू नो एक्सप्रेस नहीं किया, आप निकलने वाले हो फिर अरे वो चेंज रह गया, अच्छा ये बताना रह गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लास्ट मोमेंट आ जाती हैं। बट आई थिंक वो रिवर्स कैलकुलेट करके फिर यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट स्पेस एंड टाइम एंड दैट चैलेंज इज समथिंग वी कैन लर्न टू मैनेज आवर सेल्फ। मैंने आपको बताया मैं 23 दिन के बाद जब मैं काम पे गई और जैसे हम जाते हैं द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे आप बात करती हैं, आप दिखती हैं, उस दिन भी हम ऐसे गए तैयार होके, ज्वेलरी शूट था मुझे याद है, बट कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे लग रहा था कि आज बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं हो ही नहीं पाएगा। और जबकि आई वाज वर्किंग 8 महीने तक पूरा, मतलब मेरी डिलीवरी से 10 दिन पहले तक आई वाज ऑन माय फीट, मेरी लास्ट क्लास मैं तो अपना सी सेक्शन के लिए सेट पर से गई, मैंने दोपहर को शूट किया, रात को मैं एडमिट होने गई। तब तक काम के बाद भी फिर भी जब वो ब्रेक आता है बीच में और जब वो पोस्टमार्टम का एक टाइम आता है तो फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ यू हैव टू रीबाउंस बैक। एक्चुअली व्हाट वाज द रोल ऑफ योर हस्बैंड or is still the role of your husband in getting you back to your choice of career? I think technically bhi unke bina possible nahi tha aur physically emotionally bhi unke bina
पॉसिबल नहीं है. ऑलवेज वी वर्क टुगेदर, हम साथ में जाते हैं, हम साथ में काम करते हैं. तो मेरा सारा काम वही संभालते हैं. मैं तो आर्टिस्ट हूँ तो पैसा कमाना तो समझ नहीं आता, बट अपना काम करते हैं. ही इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर बिजनेस. बीइंग सेड दैट, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं. तो जब उस टाइम पे भी 8 महीने तक तो हम काम करते हैं, बट बीच में एक टाइम आता है जब आपको सारा काम संभालना होता है. एग्जैक्टली. और उसके बाद भी देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे आई रिमेंबर इट वाज नॉट विद मी फिजिकली. ये बहुत बड़ी बात थी कि सुबह से शाम से रात कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अपने भी काम होते हैं, बट इट वाज देयर विद मी. तो वो सपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू न्यू मदर्स आउट देयर, एनी पीस ऑफ एडवाइस जो आपको लगता है कि आपको किसी ने नहीं बताई थी, बट अब क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ मैं वो बताना चाहती हूँ. डू वांट टू शेयर समथिंग? आई थिंक कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. बिल्कुल भी टू द न्यू मदर्स और मे बी द मदर्स वर प्लानिंग और मे बी वर ऑलरेडी मदर्स जिनके बच्चे हैं उनको भी खूब सेल्फिश होना पड़ेगा अपने लिए इन द वेरी राइट वे. अपने आप को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. आप क्या खाएंगी, आप क्या पिएंगी, आपको अपने आसपास के लोगों को कैसा चाहिए, क्या एटमोसफेयर होगा, क्या सराउंडिंग होगी, आपका क्या दिल करता है, बस वो करना है. कोई क्या कहे, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी न्यू मदर या अबाउट टू बी मदर या ऑलरेडी मदर के आसपास कोई कुछ ऐसा बोले जो सुना नहीं जा पाए. वो ऑलरेडी आप इतना कुछ से गुजर रही हैं अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रेस है, इतनी एंग्जाइटी है, इतना डर है कि आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, या बॉडी इज चेंजिंग, इमोशनली यू आर चेंजिंग. तो मेरे आसपास कोई मुझे कुछ बोलना दे तो जो आसपास वाले, पहले तो उनके लिए मैसेज है कि किसी मॉम को कुछ आप बोल नहीं सकते, हम आ जाएंगे. एंड आफ्टर दैट मैसेज फॉर द मॉम्स, अगर आप बेटा ऐसा कुछ सुनती हैं फिर उसको आपकी एनर्जी है ना, तो उसको संभालने और अपने बच्चे पे लगा दें और अपने आप पे लगा दें. सो थैंक यू सो मच सो मच सो मच भूमिका, ना कि अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बल्कि फॉर बींग एन इंस्पिरेशन, बिकॉज द मोर वी शेयर आवर स्टोरीज द मोर वी इंस्पायर अदर वुमेन अराउंड अस, एंड दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ डूइंग किसी ने बताया नहीं द मदरहुड जर्नी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी अनसुनी कहानियाँ हैं जो हम शेयर नहीं करते हैं, बहुत सी ऐसी अनसुनी स्ट्रगल्स हैं जो हम खुली मतलब खुले दिल से कि ना किसी को बताते हैं, या फिर वो दब जाते हैं, या फिर कभी किसी को प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, या फिर वो वॉइस कभी मिलती नहीं है. बट आज की डेट में ये करना आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे दिल में इतना कुछ है फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्ट टू शेयर इट. आई वॉन्ट दी अदर वुमेन टू फील एम्पावर्ड. सो यू हैव डन दिस, यू हैव टुक टाइम, थैंक यू सो वेरी मच. टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर होल कॉन्वर्सेशन हम क्या करते हैं, हम अपने गेस्ट के फर्स्ट रिएक्शंस या उनके फर्स्ट फीलिंग्स जानते हैं. Your first reaction or feeling when you held Kabir? Spiritual. सब सुन हो जाता है आसपास. जैसे जब आप अपनी भगवान से बात करते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता. It's just मैंने spiritual शब्द पहली बार सुना है. Just when you hold it's beautiful. Okay. Your first reaction when you got your first order or maybe your first project immediately after pregnancy, after delivering. मैंने बताया कि already वो तो pre-book था, dates decided थी, but anxiety, डर, fear कि क्या वैसे ही वापस जाके काम कर पाएंगे जैसे इससे पहले कर रहे थे. कहीं ना कहीं physically अलग है, emotionally अलग है. Wow. First reaction when Kabir smiled at you. Yeah, I was in tears. Tears. अभी more recently he just clapped for the very first time. वैसे clap कर रहे थे and then he was figuring out कि आवाज कहाँ से आ रही है. I cannot stop crying. वो feeling बहुत ऊपर है, बहुत अलग है और ऐसा लगता है कि बस this is it. Amazing, भूमिका, amazing. I mean इतना खुलकर conversation करने के लिए, इतनी honest conversation, इतनी free flowing conversation करने के लिए we are very grateful that you took out your time. हमारा आखिरी जो सेगमेंट है वो है हमारा फन एलिमेंट, जो कि हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे. एंड फॉर दैट गेम वी हैव टू स्विच. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू? स्विच, स्विच. सुपर, थैंक यू. तो हमारा ये फन सेगमेंट है जहां पर हम क्या करते हैं, आप ये प्लैक कार्ड अपने फोरहेड पर होल्ड करेंगे. आई विल इनैक्ट द प्रोडक्ट. सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं तो आपको गेस करना है कि कौन सा बेबी प्रोडक्ट है. तो यहाँ टेस्ट होता है मेरी एक्टिंग स्किल्स का और इट्स लाइक वेदर यू कैन गेस इट और नॉट. खुद नहीं देखना है, हाँ खुद नहीं देखना है, सिर्फ मैं एक्ट कर. हाँ, वो क्लॉथ. वेरी गुड.
इतने बेबी प्रोडक्ट्स मैं लाइफ में नहीं कभी मैंने मतलब देखे और जाने हैं जितने अब जान रही हूँ. ओके ड्राइविंग सीट, कार सीट, बेबी सीट, यस, ये सब तो यूज कर रहे हैं. हाँ यार, ये तो अच्छे से पता है हमको. आई एम सो कॉन्फिडेंट नाउ, कितनी अच्छी माँ हूँ. लेट्स गो. यस, मिटन्स, सुपर्ब. लास्ट, ओके, बेब. Nice. Easy. Easy. Tremendous. Nice. You are awesome. Thank you. और इसके लिए हमारे पास ना एक छोटा सा appreciation है. Token of appreciation, can we please get it? This beauty, which is like a jade, and it is all sugar free. You can enjoy guilt free. Thank you so much, Momika. Thank you. That was super pleasure for us. Beautiful. Thank you. Thank you. Bye bye.